घर में रहे घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्य ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में बढ़ेगा लॉकडाउन या नहीं, सीएम केजरीवाल ने दिया है ये जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शहर में कोरोना वायरस की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन को जारी रखेगी। केजरीवाल ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए राजेंद्र नगर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद में कहा कि हम शहर में कोरोना की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन को जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय दिल्ली के लोग खुद ही वायरस को फैलाने से रोकने के लिए खुद को लॉकडाउन करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्थिति कुछ दिनों में सुधर जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना हुआ विकराल, 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का कोहराम थमने की बजाय अब और भी विकराल हो गया है और इसने पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो सुबह आंकड़े जारी किए गए उसमें पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की जान चली गई और पिछले 24 घंटे में ही 4,12,262 नए मामले सामने आए। पर दोस्तों आपको बता दें कि 3,29,113 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस राज्य में आज से नहीं चलेगी लोकल ट्रेन, इंटर स्टेट ट्रेनें चलती रहेंगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के विकराल रूप धारण कर लेने का असर पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनों की सेवा पर भी पड़ा है। रेलवे ने आज से सभी तरह के लोकल ट्रेनों को और EMU ट्रेन की सेवा रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले का असर उन लोकल ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा जो बंगाल से बिहार, झारखंड या उड़ीसा के शहरों में जाती हैं। इस फैसले को अगले आदेश तक लागू किया गया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पूर्व रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार की सिफारिश पर ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि कल ही पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने एक पत्र लिखकर राज्य में लोकल ट्रेन सेवा को बंद करने का अनुरोध किया था, इसके बाद इस फैसले को लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में मिलेगा मई महीने का राशन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार में कल से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रोजाना कमाने खाने वाले अब दिन कैसे गुजारेंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए सरकार ने मई में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। राज्य भर के राशन कार्ड धारियों को मई का राशन मुफ्त में मिलेगा। राशन का पूरा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया गया कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को मई महीने में राशन की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह का कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब दिल्ली सरकार घरों में आइसोलेट लोगों को देगी ऑक्सीजन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में होम आइसोलेट मरीजों को भी ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ रही है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार को फैसला किया है कि होम आइसोलेट मरीजों को उनके घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इसके लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको वैध फोटो आईडी, आधार कार्ड और कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट डालनी होगी और फिर इस आवेदन के बाद आपके घर तक सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और ये सेवा आज शाम से शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन लोगों को नहीं मिलेगी 2,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त। देख लीजिए कहीं आप भी तो नहीं आते हैं इस कैटेगरी में। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की काफी लोकप्रिय स्कीम है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए की रकम भेजती है। सरकार ये धनराशि 3 बराबर किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। यहाँ पर खास बात दोस्तों ये है कि इस स्कीम की शर्तों के मुताबिक कुछ लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है, भले ही वो खेती किसानी ही क्यों न करते हों। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट ऐसे प्रोफेशनल्स को इसका फायदा नहीं मिलता है। जिस भी व्यक्ति ने पिछले साल इनकम टैक्स जमा किया है उसको भी इसका फायदा नहीं मिलता है। पूर्व मंत्री, राज्य
सरकार में मंत्री या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता है। केंद्र या राज्य सरकारों के वर्तमान या फिर सेवारत कर्मचारी ये भी उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। सभी सेवानिवृत्त पेंशन धारक जिन्हें हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलती हो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी श्रेणी में आते हैं तो आपको भी पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि झारखंड में पाबंदियां अब एक सप्ताह बढ़ी, जाने क्या है नए नियम। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से जारी पाबंदियों को एक सप्ताह के लिए और विस्तार दिया गया है। यानी कि पाबंदियां अब 13 मई से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। सिर्फ एक परिवर्तन किया गया है कि जिन भी चुनिंदा सरकारी दफ्तरों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी उनका समय पहले की भांति सामान्य कर दिया गया है, यानी कि पूरे दिन अब खुले रहेंगे। बुधवार को मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि हर राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को सख्ते में ला दिया है। अब फिर से लॉकडाउन की कवायद शुरू करनी पड़ गई है। आपको बता दें कि केरल में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में 8 मई सुबह 6 बजे से 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दी है। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही छूट मिलेगी। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन का ऐलान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति को और गंभीर करार देते हुए कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार मामले को नियंत्रण करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और सरकारी अधिकारियों की तैनाती भी कर रही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में बेकाबू होते जा रहे कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने देहरादून समेत सर्वाधिक प्रभावित 3 जिलों में बृहस्पतिवार से 10 मई तक कर्फ्यू लगा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये 3 शहर हैं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। राशन की दुकानें एक दिन छोड़कर जबकि दूध और सब्जी आदि की दुकानों को हर दिन 12 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत पर बोले राहुल गांधी, कहा कि चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चुनाव खत्म और फिर से लूट शुरू। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन के विरोध में आए किसान संगठन, 8 मई को पंजाब में खुलवाएंगे सभी बाजार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों और आम जन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह ही बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही 10 और 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में 5 लाख की हेल्थ बीमा स्कीम लॉन्च। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में शनिवार से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग की है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को 1 माह बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। पहले ये 30 अप्रैल तक की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली यूपी के लाखों वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 2 महीने तक नहीं देना होगा टोल टैक्स। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन खूब फराटे भर रहे हैं। अब इसे टोल फ्री होने का असर कहें या सुगम रास्ता, लेकिन ये हकीकत है कि अब दिल्ली और मेरठ के बीच वाहनों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते मेरठ रोड का ट्रैफिक अब घटकर आधा ही रह गया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कहा ये जा रहा है कि अगले 2 महीने तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिलहाल वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि NHAI द्वारा टोल दरों का निर्धारण नहीं किया गया है। आपको बता दें कि चिपियाना ROB का निर्माण पूरा होने में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में मई और जून में भी इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की संभावनाएं कम ही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तमिलनाडु में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू, लेकिन शराब की दुकानें खोलने को मिल गई है मंजूरी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तमिलनाडु में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस बीच राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है। हालांकि ये दुकानें 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई हुई हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।